हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाका। मैं हूं आराधना आपके साथ। वेल दोस्तों, बिग बॉस के घर में इस हफ्ते चार सदस्य नॉमिनेट हुए हैं घर से बेघर होने के लिए, और इनमें से या तो दो जाएंगे या कोई एक जाएगा इस हफ्ते घर से बाहर। और ऐसे में कौन कौन से हैं वो चार सदस्य, चलिए आपको बताते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज, आरती और विशाल आदित्य सिंह। लेकिन वोटिंग ट्रेंड्स क्या कहते हैं, कौन सा सदस्य इस हफ्ते डेंजर जोन के अंदर है और कौन सा सेफ है? Well guys, as always, on number one, it is Siddharth Shukla. जी हाँ, सिद्धार्थ को मिल रहे हैं सबसे ज्यादा वोट्स, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला घर से बेघर नहीं होने वाले हैं। और सिद्धार्थ के बाद नंबर टू पर जो हैं, वो हैं हमारी पंजाब की कैटरीना कैफ, शहनाज। लेकिन दोस्तों, एक बहुत शॉकिंग ट्विस्ट है इस बार वोटिंग ट्रेंड्स में। शहनाज और विशाल के जो वोट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं गैप बहुत कम है, और ऐसे में अगर विशाल के वोट बढ़ जाते हैं तो सना डेंजर जोन में आ सकती हैं। दोस्तों, विशाल आदित्य सिंह नंबर तीन पर हैं और उनको वोट शायद इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने दर्शकों की सिंपति ली है। भैया, लड़के ने अपनी पूरी बॉडी को सजवाया है यार, हर जगह से पिटा है वो मधुरिमा से, और उस वजह से दर्शक शायद उनको वोट कर रहे हैं। तो वहीं चौथे नंबर पर है आरती। वेल दोस्तों, अगर इस हफ्ते घर से दो सदस्य बेघर हुए तो बॉटम टू के सदस्य घर से जाएंगे। अब ऐसे में अगर शहनाज के वोट्स कम रहे तो शहनाज के ऊपर खतरे की घंटी लटक सकती है, लेकिन बिग बॉस शहनाज को घर से बेघर नहीं होने देंगे क्योंकि वो घर की बहुत ही एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट है। वेल दोस्तों, शहनाज को बचाना है, सबसे ज्यादा उसे वोट्स करने हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ऑलरेडी सेफ हो ही जाएंगे, उनके पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में किंग की क्वीन को तो बचाना पड़ेगा, शो के एंड तक पहुंचाना पड़ेगा। तो चलिए, उठाइए फोन और कीजिए वोट। वोट ऐप पर जाकर आप वोट कर सकते हैं। शहनाज को बचाना है और सना को वोट करना है। वेल गाइस, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताइएगा कि आप शहनाज को वोट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस की हर खबर जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना प्लीज डू नॉट फॉरगेट। बाय।